गया ना। अब इसमें देखिए कुछ चमत्कार सी बातें क्या हो सकती है। अब जैसे मतलब से कुछ कुछ चीजें, पहले मैं अपना बता दूं कि जेएस स्क्वायर इंग्लिश 11th 12th स्पोकन फॉर ऑल कंपटीशन बीएड केवीएस सीटेट इस सब की तैयारी करवाई जाती है। स्पेशल फोर बैंक एसएससी रेलवे इस सब में जो इंग्लिश विषय की तैयारी करवाई जाती है। मोबाइल नंबर है मेरा 8862940466 सही है। अब जैसे ये कंपटीशन का सब कंटेंट्स हो गया, जो भी आपको पढ़ाया जाएगा सब सारा कंटेंट्स लिखा हुआ है इसमें, जितना लिखा हुआ है वो सारा कुछ पढ़ाया जाता है एक एक। ये रहा कुछ जानकारी जेएस स्क्वायर के बारे में। मैं अपने आप को ये समझता हूँ कि मैं टीचर हूँ, मैं अपने आप को ये समझता हूँ कि मैं क्या हूँ, मैं नेशन बिल्डर हूँ। लिखा हुआ है कि भारत सरकार ने ये जारी किया है कि अगर टीचर है ना तो इन चीज़ों के दायरे में आते हैं। आई वॉन्ट, मैं चाहता हूँ, आई कैन, मैं कर सकता हूँ, आई विल, बोली, सारे चीज तो इसमें दिए हुए, लेकिन अधिकार हमारे पास क्या है? क्या अधिकार है हमारे पास वो हमें खुद पता है, कुछ अधिकार नहीं है। ये बातें मैं नहीं बोल रहा, हर किसी को बोलना चाहिए और हर टीचर, क्योंकि जिनका फ्यूचर है उन्हें आज पता नहीं है कि उनका 1 साल 2 साल या 3 साल कोई ख़राब हो रहा है तो उनको आगे आना चाहिए कि नहीं। यहाँ थोड़ी सी छुट्टियाँ क्या होती है, 1 दिन 2 दिन की छुट्टी होती है, स्टूडेंट सीधे बोरिया बिस्तर समेट के निकल जाते हैं। ऐसे लगता है जैसे कि शायद सबसे पहले उन्हीं पर अटक होने वाला है। सिचुएशन को वो नहीं समझता, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आप सोच सकते हैं। मेरा कहने का मतलब है कि अगर टीचर इन सब पर ध्यान नहीं देंगे तो भाई हमारा करियर ही यही है, क्योंकि हमने बहुत सारे सैक्रिफाइस, बहुत सारे को छोड़ छाड़ कर के तब इन चीज़ों को अपनाया है। और इसमें भी अगर हमें ये भी छोड़ना ही पड़े तो पता नहीं मैं क्या करूँगा। उसके बाद ये मैं अपना कुछ लोगो दिखाने जा रहा हूँ, जो कि मैं अपने आप को भी दुर्रम खां समझता था कि मैं भी दरभंगा में कुछ कर सकता हूँ, और शायद ठीक ठाक ही चल रहा था। अब ये मेरा हस्तनापुर है जो कि शायद उजड़ने पे लगा हुआ है। अब ये बचेगा भी कि नहीं ये मुझे पता नहीं, लेकिन देखते हैं। मैं जब तक बचा पाऊँ तब तक कोशिश करूँगा बचाने की। बच पाए तो ठीक है, नहीं बच पाए तो फिर तो भी गम नहीं है, क्योंकि मैं अब YouTube पे हूँ, सामने में दिखाई दे रहा हूँ आपको, और कोई मलाल नहीं है। अगर दरभंगा में मैं कमाता था तो ऐसा नहीं YouTube पर मैं अपना, लेकिन मुझे ये बता दो, कोई कोई भी टीचर की मैं बात कर रहा हूँ कि कितने ऐसे टीचर है जिसके पास ये 4 लाख या 3 लाख की कैपेसिटी है कि वो मतलब से वो खर्च करके ये चला सकता है, कितने? नहीं के बराबर है, 2 4 5 10 के पास है, ठीक है, लेकिन सिचुएशन सबके साथ तो फेस सेम है ना, तो हम हैंडल क्यों नहीं कर सकते? मेरे कहने का ये तात्पर्य है कि अगर कोई 2 लाख या 3 लाख 4 लाख का पैनल लेकर के YouTube पर भी खड़ा होता है, लेकिन उतनी कैपेसिटी जो मान लीजिए कि 3000 2000 4000 का भाड़ा दे रहा है और अभी 0 रुपया कमा रहा है, वो उस भाड़ा को नहीं सह पा रहा है, तो फिर कहाँ से कुछ 4 लाख का या 3 लाख का कहीं से कर्ज भी लेकर के अगर खड़ा करता है तो क्या गारंटी है कि वो कल को जा करके बेहतर कर लेगा? लेकिन कम से कम जीने का जरिया तो था भाई कि 10000 5000 20000 कमा करके वो कम से कम एक जो होना चाहिए वो अपने जीवन में कुछ तो कर रहा था, प्रिपरेशन ही कर रहा था, लेकिन सारा कुछ उसका रुक गया है,
सारा कुछ उसका बात छोड़ दीजिए, मैं खुद अपनी ही बात कर रहा हूँ। तो मैं इस सिस्टम के प्रति मैं ये सोचता हूँ कि सिस्टम हमारा कितना डल हो गया है, हमें इसके प्रति सोचना चाहिए, क्योंकि सिस्टम हमारे प्रति कहाँ सोच रहा है कुछ। वो तो सोचता है कि हम लोगों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन कुछ क्या हो रहा है। अगर सोच ले तो 2-3 साल में हम जीरो हैं, कुछ नहीं कहे हैं। ये तस्वीरें देखते हैं तो मुझे भी लगता है कि शायद मैं ही हूँ या कोई और है, पता नहीं चलता। लेकिन दुख की बात है कि अगर इन चीज़ों को अगर छोड़ना पड़ेगा तो शायद पता नहीं कि मैं अपने आप को कभी या अपने सिस्टम को कभी माफ़ कर पाऊँगा। इन चीज़ों को तो मैं छोड़ नहीं सकता, क्योंकि मेरे सामने में यह आज जो है वो कल से गुजर करके आया हुआ वक्त है। और अगर इन चीज़ों को मैं अगर आपके सामने में इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ये मैं ही हूँ, कोई दूसरा आदमी नहीं है ये। और अगर ये स्थिति सबके साथ है तो हम सब मिलकर के झेल क्यों नहीं सकते। ये कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है, मैं अपने आप को ही दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर मैं इस हद तक हूँ तो मेरे से भी बहुत छोटे तबके में कोई चला रहा है या चला रहा था। तो उनकी स्थिति आप सोचो, जब मेरी स्थिति इस तरह से मैं जब बोल रहा हूँ तो हमें हर कोई को बोलना चाहिए। नहीं बोलेंगे तो फिर पता नहीं, मौन तो सब है ये मुझे पता है, लेकिन मुझे लगा कि कोशिश मैं करके देखूं कि मैं भी बोलता हूँ, इस पर कोई बात होती है या नहीं। लेकिन शायद ये मुझे पता नहीं कि कोई प्रभाव पड़ेगा आप लोगों पे या नहीं, हम लोगों को आगे आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, तो मुझे पता नहीं। इसीलिए आप लोग से यही गुजारिश है कि हम लोग आगे बढ़े, हम लोग घर से निकले, कोई कोरोना वगैरह नहीं है। और बड़े बड़े डॉक्टर सब का बात मैं सुन चुका हूँ, और ये मीडिया, मेरे हिसाब से ये मीडिया वाला तो पता नहीं कब तक ये झूठ बोलता रहेगा और कब तक ये। तो इसीलिए ज़्यादा मैं कुछ बोलना भी नहीं चाहता, क्योंकि साथ आप आओ फिर मैं दिखाता हूँ कि वो कंट्रोवर्सी हमारे से ज़्यादा कर सकता है कि मैं उनसे ज़्यादा कर सकता हूँ। ये सीधे सोशल मीडिया वाला मीडिया 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 चार स्तंभ, लेकिन चार स्तंभ कहाँ है, चार स्तंभ कि वो मुझे सच दे सके जो है सच में, वो सच कुछ नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने शब्द को विराम देता हूँ। शायद आप लोगों को मेरे दुख का अंदाज़ा होगा कि मैं बोलना क्या चाहता हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ। इन चीज़ों को बोलना मेरे लिए कितना अच्छा है कितना नहीं ये तो मुझे पता है, लेकिन याद रहे इसमें आप लोग भी शामिल हैं, क्योंकि हम लोग जब तक इकट्ठा नहीं होंगे तब तक हमारे दुख हमारे साथ ही रहेंगे, ये बात हम सबको पता है। थैंक यू। बंद कर दीजिए तो।